understanding. My name is Vikramaditya. I am no god. But I am not one of you either. सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग मूवी राधे श्याम के टीजर ने तहलका मचा दिया है और कई सारे रिकॉर्ड बना लिए हैं और कई सारे रिकॉर्ड तोड़ भी दिए हैं। और राधे श्याम का टीजर 24 घंटे के अंदर अंदर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टॉलीवुड इंडस्ट्री का टीजर बन चुका है। साथ ही साथ ये सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टॉलीवुड इंडस्ट्री का टीजर बनने वाला है और बहुत जल्द ये टीजर पुष्पा मूवी के टीजर का रिकॉर्ड भी तोड़ने वाला है जो कि 90 मिलियन के करीब है। और अगर देखा जाए तो राधे श्याम मूवी के टीजर के अंदर कोई एक्शन सीन है ना ही कोई फाइट सीन है, लेकिन उसके बावजूद भी इस मूवी के टीजर को इतने ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं जिससे आप सुपरस्टार प्रभास की फैन फॉलोइंग का अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में लोग उन्हें जानने भी लगे हैं और पसंद भी करने लगे हैं। तो अगर बात करें राधे श्याम मूवी के टीजर की तो पुष्पा मूवी के टीजर के मुकाबले इस मूवी के टीजर को बहुत ही कम लाइक्स मिले हैं और पुष्पा मूवी के टीजर को जहाँ 2 मिलियन के करीब लाइक्स मिले हैं तो आप देख सकते हैं कि राधे श्याम मूवी का टीजर 70 मिलियन के करीब पहुंचने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी 1 मिलियन के करीब लाइक्स अभी तक नहीं मिले हैं। और इस मूवी के टीजर को कम लाइक्स मिलने का सबसे बड़ा कारण यह है कि राधे श्याम एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिस वजह से इसका टीजर भी बिल्कुल सिंपल सा था, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों के अंदर इस मूवी के टीजर को देखने के बाद ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट ना हो पाई हो। इस वजह से वो टीजर को देख तो रहे हैं लेकिन लाइक का बटन नहीं दबा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के अंदर बहुत ही कमाल की स्टोरी हमें देखने को मिलने वाली है, साथ ही साथ बहुत ही यूनिक स्टोरी हमें देखने को मिलने वाली है और ये मूवी अपनी स्टोरी के दम पर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएगी और कई सारे रिकॉर्ड भी बना सकती है। और अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको राधे श्याम मूवी का टीजर कैसा लगा है और आप राधे श्याम मूवी को सिनेमा घर में जाकर देखोगे या फिर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद अपने मोबाइल में देखोगे, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की तो मैं आपको बता दूं कि ये मूवी 14 जनवरी को रिलीज होने जा रही है ऑल ओवर इंडिया में और इस मूवी को तमिल और तेलुगु के साथ साथ हिंदी डब्ड में भी रिलीज किया जाना है।